ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स का सफर काफी शानदार रहा। एंड्रू साइमंड्स कई बार अपने विवाद के चलते भी सुर्खियों में रहे, लेकिन असल में वो बेहद ही शानदार इंसान थे। आज हम आपको एक ऐसा वाक्य बताने जा रहे हैं जब उन्होंने दो बच्चों की खुशी के लिए अपनी जगह उन्हें फील्डिंग पर उतार दिया था। आइए बताते हैं वो यादगार किस्सा जो कभी कभार ही देखने को मिलता है। दरअसल ये वाक्य ऑस्ट्रेलिया के गाबा स्टेडियम में हुए एक घरेलू मैच के दौरान का है, जो साल 2008 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की टीम फील्डिंग कर रही थी और एंड्रू साइमंड्स बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। तभी एंड्रू साइमंड्स दो बच्चों के साथ नजर आए। उन्होंने एक बच्चे को अपनी जगह फील्डिंग करने के लिए खड़ा कर दिया और खुद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर खड़े हो गए। साइमंड्स ने उस वक्त माइक लगा रखा था और कमेंटेटर से बात कर रहे थे। साइमंड्स ने उसी वक्त डेविड हसी को बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल फेंकने के लिए कहा और टॉम नाम के बच्चे ने बॉल को फील्ड कर वापस थ्रो किया। इस वक्त जस्टिन लैंगर और ब्रेड हॉज क्रिज पर थे। साइमंड्स ने टॉम के बाद दूसरे बच्चों को अपनी जगह फील्ड पर खड़ा किया, जिसका नाम भी टॉम था। साइमंड्स की वजह से दोनों बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे से ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए फील्डिंग करना किसी सपने से कम नहीं था। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।